नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अध्यापक परीक्षा के लिए रीट में वाच्य परिवर्तन। और जो वाच्य परिवर्तन है उसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं और उनका समाधान हमको कैसे करना है। अब देखिए, एक शब्द होते हैं रिकारांत। रिकारांत शब्द उनको कहते हैं जिनके अंत में री होता है। जैसे रिकारांत शब्द में आप ले सकते हैं कर्त्री, धात्री, पित्री, मात्री, भ्रात्री, ये जो हैं। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं जिसके अंत में क्या आ रहा हो, री आ रहा हो। तो देखिए इनके जो रूप चलते हैं आप जब देखेंगे तो प्रथमा में रूप चलते हैं विद्यार्थियों ऐसे, जैसे माता, मातारौ, मातारः, ये है माता, मातारौ, मातारः। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें आपके रूप चलेंगे कि माता, मातारौ, मातारः, मातरः। इसके बाद है आप इसके तृतीया जब देखेंगे तो तृतीया में होते हैं मात्रा, क्या होगा विद्यार्थियों, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्या, क्या होगा, मात्रा, मातृभ्याम और मातृभ्या। किसी के भी रूप हों, ये प्रथमा है, ये तृतीया, किनके, जिसके अंत में री आ जाता है, जो रिकारांत होते हैं। आपको यह मिलेंगे या फिर यह मिलेंगे वाच्य परिवर्तन। अब देखिए यह मिलता है तो हमको इसमें बदलना है, यह मिलता है इसमें बदलना है, एक दूसरे में बदलेंगे, एक दूसरे में। ऐसे मातृभ्याम मिल गया तो मातृ कर देंगे, और मातृ भी मिल जाएगा मातरह कर देंगे, मातरह मिल जाएगा मातृ भी कर देंगे, इस प्रकार से। अब देखिए कि हमारी एक परीक्षा में रीट की में पूछा गया है कि माता भोजनम पचती, यह है विद्यार्थियों, और फिर लिखा हुआ है इत्यस्य वाक्यस्य, इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, ये है। अब देखिए आपको पता है ये माता है तो माता किस मत जाएगा, मात्रा में। फिर है देखिए भोजनम है तो भोजन तो नपुंसक लिंग शब्द है, ये भोजनम ही रहता है विद्यार्थियों। अब पचती है, मैंने आपको बताया था कि पच मूल धातु हो गई और इसमें या जोड़ देंगे, ठीक है, और या जोड़ देंगे, भोजन एक वचन है तो एक वचन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पच्यते, क्या हो गया, पच्यते। और जब पच्यते हो जाएगा, अब देखिए उसने जो चार विकल्प दिए कौन से दिए, इसको विद्यार्थियों हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब उसने पहला विकल्प दिया है, देखिए क्या दिया, कि मातया भोजनम पच्यते। दूसरा दिया
मात्रेण भोजनम पच्यते, तीसरा दिया विद्यार्थियों मात्रा भोजनम पच्यते और चौथा दिया है मातुः भोजनम पच्यते। अब आप इसको मिलाएंगे तो देखिए मात्रा किसमें है, इसमें है, क्योंकि माता का मात्रा होगा, मातृ का मातृभ्याम होगा, मातरः का मातृ भी होगा, पिता हो तो इसी प्रकार से बदल जाएंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है हमको, इसी प्रकार से इनको लिखना है कि जैसे दे रखें उसी प्रकार से आप इसको बदल लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, अब आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरा जो है वह क्या है, सही उत्तर है सवाल का, कौन से सवाल का, ये जो हमारी रीट की परीक्षा में आया, ये रीट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आपको इस प्रकार से इनके वाच्य परिवर्तनों को करना है। अब देखिए जैसे आप एक शब्द देखते हैं कौन सा, युष्मद। अब युष्मद की जब आप प्रथमा देखते हैं तो प्रथमा में क्या होता है, त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है। और अगर आप इसकी तृतीया विभक्ति देखोगे विद्यार्थियों तो इसकी तृतीया विभक्ति कैसे है, इसकी तृतीया विभक्ति है त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, क्या होगा त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है कि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे आप, जब आपको वाच्य का परिवर्तन करना है तो क्या होगा, आपको ये आता है तो इसमें बदलना है, ये आता है इसमें बदलना है, ये आता है इसमें बदलना है, ऐसा भी हो सकता है इनमें से आ जाए तो इसमें बदलना है। हमें बहुत अच्छी तरीके से हमको जांच परख करनी है उस प्रश्न की जो हमसे पूछा जाएगा। जैसे हम वाक्य लिखते हैं तुम विद्यालय जाते हो, ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य का क्यों है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता मध्यम पुरुष का है, क्रिया भी मध्यम पुरुष की है, कर्ता एकवचन का है, क्रिया भी एकवचन की है। तो देखिए तुम के लिए क्या हो जाएगा, त्वम, विद्यालय कर्म है तो कर्म में द्वितीय आ जाती है, तो आप लिखेंगे विद्यालयम, क्या लिखेंगे विद्यालयम, और जाते को गच्छ तो ये हो गया और मध्यम पुरुष एक वचन में हो गया गच्छसि। अब आपको ये पता है कि ये जो गच्छ के रूप चलते हैं वो कौन सी धातु है, गम धातु है, कौन सी धातु है विद्यार्थियों, वह जो हमारी धातु है वो कौन सी है, गम धातु। अब देखो जब आप इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आपको पता है त्वम है तो यह हो जाएगा आपका त्वया, ये विद्यालयम है तो इसको प्रथमा में राम की तरह रूप चलते हैं इसके, विद्यालय। अब गच्छसी है तो आपको पता है धातु कौन सी है, गम, और या जोड़ देंगे तो यह बन गया गम्य। विद्यालय एक है या बहुत हैं, एक है तो एक वचन में तेज उड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका गम्यते। अगर मान लीजिए होता हम तुम दोनों तो युवाम आ जाता,
अगर होता तुम सब तो यूयम आ जाता, लेकिन यूयम को इसमें बदलेंगे, इसको इसमें बदलेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कर्मवाच्य का हो गया आपका, तो आपको ये ध्यान रखना है इस प्रकार से ये बदले जाते हैं। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों के आगे अनेक ऐसे वाक्य रह गए हैं, शब्द रह गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए हम वाच्य परिवर्तन करेंगे अगले टॉपिकों में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।